शिक्षा क्षेत्र जीवनधारण मान्य समृद्धि मान्यवर बाचस्पति महोदय उन्नत मानर स्कूल शिक्षा आम सरकार प्राथमिकता आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक भाषा पिला स्वप्न को साकार कर सहायक हवा आम समस्त साधारण दायित्व एवं स्वप्न ही छात्र छात्री जीवन में आगे बढ़िवार बाट देखाई थाए यह दृष्टि रखी आम हाईस्कल रूपातरीकरण एक अभिनव पदक्षेप आरंभ करूँ 5T नीति द्वारा अनुप्राणित यह कार्यक्रम आम राज्यर हाईस्कल छात्र छात्री नूतन आकांक्षा सृष्टि करने नूतन दिगंतर द्वार उन्मुक्त कर सरकारी विद्यालय गुड़िक स्मार्ट क्लासरूम अत्याधुनिक इ लाइब्रेरी सुसज्जित परीक्षागार बालिका और बालकों पर पृथक व्यवहार योग्य शौचालय सहित सुरक्षित एवं पर्याप्त पानीय जलर सुविधा उन्नत क्रीड़ा भित्तिभूमि एवं शिशु अनुकूल वातावरण रही एक उच्चाकांक्षी पाठ्यक्रम सह आधुनिक शिक्षण पद्धति द्वारा छात्र छात्री मान भविष्य प्रस्तुत रखा सकाशे लक्ष्य रखी प्रथम पर्यायर 620 कोटी टंका प्रकल्प मूल्य 1075 हाईस्कल को एवं द्वितीय पर्यायर 1699 कोटी टंका प्रकल्प मूल्य 3461 हाईस्कल को रूपांतरण कर पुनश्च 5T हाईस्कल रूपांतरीकरण कार्यक्रम तृतीय पर्यायर 1092 कोटी टंकार प्रकल्प व्यय प्राय 2336 हाईस्कल को अंतर्भुक्त करम सरकार 2023-24 शिक्षाबर्षर श्रेणीगृह भितर और बाहरी छात्र छात्री को सहायता करने 5T हाईस्कल रूपांतरीकरण कार्यक्रम अधीन एकेडमिक कैलेंडर हाउस सिस्टम एवं स्कूल स्तरीय क्लब प्रचलन करने को निष्पत्ति नियाजी वाच वार्ड एंड हाउसकीपिंग सेवार व्यवस्थापी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी नियोजन यही कार्यक्रम द्वारा आम राज्यर उच्च विद्यालय उन्नत मानर संपत्ति सृष्टि स्वयं सहायक गोष्ठी गुड़िकर सहयोग संपत्ति गुड़िकर उपयुक्त तदारख 103 कोटी टंकार व्ययबराद कर मो स्कूल अभियान माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक 2017 नवेम्बर 14 तारीख में मो स्कूल अभियान शुभारंभ करते जहाँकि देशर अन्यतम बृहत्तम प्राक्तन छात्र छात्री योगदान कार्यक्रम परिणत हो मात्र 5 वर्षर स्वल्प अवधि मध्य 8024 हाईस्कल और 42239 प्राथमिक विद्यालय सह यही कार्यक्रम संयुक्त होवे सक्षम हो मो स्कूल अभियान 30 लक्ष अधिक पूर्वतन छात्र छात्री और गोष्ठी सदस्य जोग देती अभियान 7,71,934 जन पूर्वतन छात्र छात्री 31 जनवरी 2023 सुधा सामिल होगा 196 कोटी टंका सहायता प्रदान करूप अवदान को दृष्टि रखी सरकार विद्यालय गुड़िकर सामग्रिक विकास पर समुदाय 382 कोटी टंकार अनुरूप अनुदान प्रदान कर 2023-24 आर्थिक वर्ष पर 805 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव दि जा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार सुस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने राज्यर रूपातरित विद्यालय और अन्य विद्यालय उत्कर्ष को स्वीकृति देवाई ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार आरंभ कर मोट 34,500 जन छात्र छात्री को एकेडमिक पुरस्कार 17,118 जन छात्र छात्री को नेतृत्व पुरस्कार एवं दशम बोर्ड रिजल्ट और आर्थिक मानदंड आधार में मोट 2000 मेधावी छात्र छात्री को वृत्ति प्रदान कर माध्यमिक विद्यालय वर्ग पर 700 शिक्षक 419 जन प्रधान शिक्षक 58 जन CRCC 10 जन मंडल शिक्षा अधिकारी और 3 जन जिला शिक्षा अधिकारी को पुरस्कृत कर प्राथमिक विद्यालय वर्ग में 350 जन प्रधान शिक्षकों 319 जन शिक्षक संवर्धित हेबे प्राथमिक शिक्षा स्तर में संस्थागत वर्ग में 307 टी विद्यालय और 3 टी श्रेष्ठ जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को पुरस्कार प्रदान कर माध्यमिक स्तर में 3 टी जिला 10 टी ब्लॉक 1057 टी विद्यालय 414 टी श्रेष्ठ ग्राम पंचायत 419 टी श्रेष्ठ विद्यालय परिचालना कमिटी 419 टी श्रेष्ठ प्राक्तन छात्र छात्री कमिटी को पुरस्कृत कर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार निमंत 139 कोटी टंका व्यय बराद कर शिक्षक निजुक्ति उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय रे शिक्षक निजुक्ति द्वारा खाली पड़ा पदवी गुड़ी को अग्राधिकार भित्तिर पूरण करने आम सरकार गुरुत्व दे गत वर्ष 11,403 जन माध्यमिक शिक्षक को निजुक्ति दिया व्यतीत सरकारी माध्यमिक विद्यालय पदवी पूरण निम्ते कैबिनेट 6,025 टी LTR पदवी सृष्टि करने को अनुमोदन देती एथसह सरकारी माध्यमिक विद्यालय आम 7,540 जन नियमित शिक्षक निजुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर
एतद व्यतीत 1,749 कनिष्ठ सहायक और 335 पीजीटी शिक्षक नियुक्ति निम्ते पदक्षेप निया व्यतीत 106 हाईस्कल को उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवर्तन करने पदक्षेप नि अधारु पाठ छाड़ हार को नियंत्रण करिबा तथा माध्यमिक शिक्षा समाप्त करिबा पई सरकारी अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्रांट उच्च विद्यालय संस्कृत टोल और मद्रासा नवम श्रेणी में पढ़ुवा समस्त छात्र छात्री को मागणा साइकिल जोगाण पई गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना कार्यकारी कर वर्तमान प्रचलित 2,600 टंकार सहायता राशि को वृद्धि कर 2023-24 आर्थिक वर्ष ठारु 3,500 टंका प्रदान करने को प्रस्ताव रही एथिपाई 2023-24 आर्थिक वर्ष 155 कोटी टंकार व्ययबराद कर 2023-24 रे स्कूल यूनिफर्म और आनुषंगिक सामग्रिक व्यवस्था सहायता राशि को 600 टंकार 1,000 टंका को वृद्धि करने को प्रस्ताव रही व्यतीत 2023-24 रे सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय नवम और दशम श्रेणी में पढ़ुवा समस्त छात्र छात्री को यूनिफर्म सह आनुषंगिक सामग्री जगै देवा को प्रस्ताव रही CBSE पाठ्यक्रम अनुजाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी पदक्षेप वर्तमान कोरापुट जिला पटांगी ब्लॉक कोटिया रे गोटे अतिरिक्त ओडिशा आदर्श विद्यालय सहित 313 ब्लॉक रे 315 ओडिशा आदर्श विद्यालय कार्यक्रम होई चलित शिक्षा वर्ष रे एकादश श्रेणी पई गोटे आइकोनिक ओडिशा आदर्श विद्यालय कार्यक्रम 2022-23 शिक्षा वर्ष रे 1,253 जन छात्र छात्री ओडिशा आदर्श विद्यालय पाठ पढ़ा जारी रखिथिबा बेले सेमान को मध्यरो 58,343 जन बालिका और 41,910 जन बालक अछन्ति सामग्रिक शिक्षा परिवेश रे अध्ययन जारी रखिबा पई 166 छात्र छात्री निवास कोठा निर्माण सरीथिबा बेले से 6,028 जन छात्री रोचंती सरकार 1,000 कोटी टंका व्यय अटकल 237 छात्रावास निर्माण कार्य हाथ को नेबे CBSE बोर्ड परीक्षार दशम श्रेणी में मोट 95.71% छात्र छात्री पास करथिबा बेले समानक मध्यरु 1,052 जन छात्र छात्री दशम श्रेणी में 90% किंबा ताठारु अधिक नंबर रखिछंती एवं किछि छात्र छात्री IIT भली प्रमुख अनुष्ठान रे नाम लिखाइछंती एही पवित्र गृहर सदस्य मैंने जाणी गर्वित हेबे जे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022 अनुजाई ओडिशा आदर्श विद्यालय राणीभोल मयूरभंज और ओडिशा आदर्श विद्यालय हाथीओटा गंजाम देशर 10 श्रेष्ठ विद्यालय मध्य स्थान पाई 2023-24 आर्थिक वर्ष पर मु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग निम्ते 22,528 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखुचे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास शिक्षा आम माननीय मुख्यमंत्री विश्वास करती जे शिक्षा हूँ आमर अवहेलित जनसाधारण को सशक्त करिवार सर्वोत्तम माध्यम तेणु छात्रवृत्ति प्रदान आवश्यक विद्यालय सुविधा पठन और लिखन सामग्री जोगाण ऑनलाइन शिक्षादान सुविधा अर्थनैतिक कल्याण जीविका कार्यक्रम एवं युवक युवती मानकर दक्षता विकास प्रशिक्षण भली विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्यान्य पछुआ वर्ग और संख्यालघु संप्रदायर शैक्षिक स्थिति उन्नति आने आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रशासन योजना अधीन 23 लक्ष अधिक छात्र छात्री मान वृत्ति प्रदान पर 811 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रही जो थे 60% छात्री अंतर्भुक्त यह आवश्यक सुविधा एवं वृत्ति योजन प्राग एवं मैट्रिक परवर्ती श्रेणी छात्र छात्री को अंतर्भुक्त कर 2022-23 वर्ष 99% छात्र छात्री माध्यमिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होते छात्र छात्री का सामग्रिक विकास को दृष्टि रखी वार्षिक पिला पिछा अतिरिक्त 1,000 टंका देवा को प्रस्ताव दिया जाए एवं यहाँ द्वारा 5,500 अधिक छात्रावास रुवा पखापाखि 6 लक्ष अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अंतवासी को उपयुक्त पोषण जोगाई दिया अतिरिक्त अर्थ सप्ताह को 4 दिन अंडा एवं 1 दिन माछ किंबा चिकेन प्रदान पर केवल खर्चा कर षष्ठ रु अष्टम श्रेणी में पढ़ुवा प्राय 6 लक्ष अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातिर दिव्याध्यायी छात्र छात्री प्राग मैट्रिक वृत्ति वार्षिक 500 टंका को वृद्धि करने को प्रस्ताव दि जाएगी जहाँकि शिक्षादान बाबद खर्च तुलाई अभिभावक सहायक हम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति छात्र छात्री निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करवा उच्च शिक्षा वैश्विक शिक्षा किंवा वृत्तिगत पाठ्यक्रम सहायता करने मैट्रिक परवर्ती वृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान कराए
अंतेवासी एवं दिव्याधायी मान रक्षणाबेक्षण भत्ता बाबद वार्षिक यथाक्रम अतिरिक्त 1000 टंका एवं 500 टंका देवाक प्रस्ताव दि जाए। यह सहित अन्वेषा योजन अधीन 124 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रही। कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति छात्र छात्री सहरांचल प्रतिष्ठित इंग्राजी माध्यम पब्लिक स्कूल रे इंग्राजी माध्यम रे शिक्षा ग्रहण करी आवश्यक सुविधा एवं ट्यूशन फी देवार व्यवस्था कर। आकांक्षा योजन 4 कोटी टंकार व्ययबराद रही। यही योजना अधीन सहरांचल उच्च शिक्षा ग्रहण करुवा छात्र छात्री को अन्यान्य सुविधा सह आवश्यक सुविधा जोगाइ दिया। समस्त 422 उच्च विद्यालय रे कोडिंग टिंकरिंग आईसीटी लैब प्रतिष्ठा करा जाउछि। डिसेंबर 2023 सुद्धा समस्त उच्च विद्यालय रे स्वतंत्र स्मार्ट लर्निंग सेंटर लोकार्पित हेबो। उच्च शिक्षा वाचस्पति महोदय माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन रे राज्य सरकारी विश्वविद्यालय संख्या 2000 मसीहा रो 2023 मध्य 6-18 को वृद्धि पाइछि। आम युववर्ग को सशक्त करिबा एवं सेमानको दायित्ववान नागरिक हबारे और राष्ट्र निर्माण रे अर्थपूर्ण योगदान करने को सक्षम करने उच्च शिक्षा ही एक चाबिकाठी बोली आम सरकार विश्वास करती। एणु आम सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ धरणर प्रशासनिक शिक्षागत संस्कार आरंभ कर। यही विभाग पर 3173 कोटी टंकार व्ययबराद कर। एथिरे उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकर भित्तिभूमि विकास 163 कोटी टंका, मो कॉलेज अभियान 170 कोटी टंका एवं विजु युवशक्ति सशक्तिकरण योजन लैपटॉप बंटन 50 कोटी टंका अंतर्भुक्त। ओडिया भाषा और संस्कृति प्रोत्साहन आम समस्त सामूहिक चेतना। आम सरकार यह पवित्र काम संपूर्ण रूपे नियोजित। सत्यवादी पूरी ठारे 2023 मसीहा डिसेंबर मध्य कार्यक्षम होगा ओडिया विश्वविद्यालय 20 कोटी टंका व्ययबराद कर। विश्व ब्यांग आर्थिक सहायतार प्रचलित ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सलेंस एंड इक्विटी योजना अधीन सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय गुड़िक भित्तिभूमि विकास 228 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रही। मेधावी छात्र छात्री मान मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना नाम एक नूतन योजना कार्यकारी करने को प्रस्ताव दे मु अत्यंत आनंदित। यही योजन 10,000 योग्य उपस्नातक एवं छात्र छात्री को वार्षिक 10,000 टंका लेखाएं मिल। से हीपरी 5,000 योग्य स्नातकोत्तर छात्र छात्री को वार्षिक 15,000 टंका छात्रवृत्ति प्रदान कर। 10,000 योग्य वैषयिक एवं वृत्तिगत शिक्षा ग्रहण करुवा छात्र छात्री को वार्षिक 20,000 टंका छात्रवृत्ति प्रदान कर। 2023-24 आर्थिक वर्षर प्रवेशिका परीक्षा मध्यम चयन होता 200 मेधावी छात्र छात्री को सिविल सर्विस परीक्षा पर मागणा कोचिंग सह मागणा रहा और खाइबा व्यवस्था कर। दक्षता और विकास वैषयिक शिक्षा ओडिशा सरकार विज्ञ और त्वरित पदक्षेप मध्यम राज्यर युवक युवती मानक दक्षता विकास क्षेत्र में भविष्य कर्मसंस्थान सकाशे दक्षतार विकास गुरुत्व प्रदान कर। विगत 3 वर्ष मध्य कोविड महामारी अंतरा सत्वे सरकार द्वारा आरंभ कर विभिन्न कार्यक्रम अधीन 5,00,000 अधिक युवक को प्रशिक्षण दि जाए। 2022-23 आर्थिक वर्ष में 11 गोटी नूतन सरकारी आईटीआई कार्यक्षम हो। पारदर्शिता केन्द्र मिनि टूल्स रूम डिजिटल कंटेंट लाइफ स्किल ट्रेनिंग इत्यादि माध्यम रे आईटीआई और पॉलिटेक्निक गुड़िक शिक्षा गुणवत्ता वृद्धि करुवक युवती मान उन्नत दक्षता प्रशिक्षण मध्यम भविष्य निजुक्ति सकाशे प्रस्तुत करने भुवनेश्वर अत्याधुनिक भित्तिभूमि और सुविधा थी एक प्रमुख अनुष्ठान वर्ल्ड स्किल सेंटर प्रतिष्ठा कर। प्रथम बैजर समस्त 214 जन स्नातक छात्र छात्री विभिन्न नामी दामी कंपनी रे नियोजित होती। इतिमध्य 56 जन छात्र छात्री को विदेश रे नियुक्ति मिली। स्किल्ड इन ओडिशा ब्रांड जातीय और आंतर्जातिक स्तर रे स्वीकृति लाभ करुछि। आमर कुशली युवक युवती माने विश्व दक्षता प्रतियोगिता रे भाग नहीं राज्य पई गर्व और गौरव आनी। सरकारंकर 5T पदक्षेप अंश स्वरूप पूर्वर सीईटी नाम परिचित थिबा ओडिशा वैषयिक गवेषणा विश्वविद्यालय को आसंता 5 वर्ष मध्य एक उत्कर्ष विश्वविद्यालय विकसित करने 1,500 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रही। आसंता 5 वर्ष मध्य 2,000 कोटी टंका व्ययबराद स्मार्ट क्लासरूम अत्याधुनिक परीक्षागार एवं कंप्यूटर केन्द्र भली सुविधा उपलब्ध कराई भिसुड बुर्लार मध्य रूपांतरणकरण कर। भित्तिभूमि क्षेत्र में वैषयिक विश्वविद्यालय जांद्रिक महाविद्यालय पॉलिटेक्निक और आईटीआई मानकर विकास 241 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रही। बालिका मानकर
वैषयिक धंदामूलक शिक्षा पंजीकरण वृद्धि पाई ओडिशा सरकार तांकर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछन्ति। आईटीआई और पॉलिटेक्निक रे छात्र छात्री मध्य अति कम रे एक तृतीयांश छात्री हेबे बोली राज्य सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। एथिपाई राज्यर सरकारी आईटीआई मानंकरे सुदक्षा योजना आरंभ कराइथिला। एही योजन छात्र छात्री छात्री मानंकु वर्ग निर्विशेष रे बिना मूल्य रे आईटीआई पढ़ेबा पई वृत्ति प्रदान करा जाउछि। सरकारी आईटीआई रे बालिका मानंकर नाम लेखा वृद्धि दिगरे एही योजनार सफलता को दृष्टि रे रखी सरकारी पॉलिटेक्निक रे नाम लेखेबा बालिका मानंक पई सम्मान सत्र एही योजना को संप्रसारण करबा को विचार करुछन्ति। एथि पई सरकार 10 कोटी टंकार व्यय बराद पई प्रस्ताव रखिछन्ति। शिल्प सहित जड़ित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने और राज्यर युववर्ग निजुक्ति दक्षता वृद्धि पाई ओडिशा दक्षता विकास प्रकल्प अधीन 100 कोटी टंकार व्यय बराद करपरि बेकार युवक युवती मानी आत्मनिजुक्ति सुजोग सृष्टि करने निम्ते निजुक्ति निर्देशालय को 22 कोटी टंका प्रदान करने प्रस्ताव रही। दक्षता विकास सफलतार कहानी को आधार कर ओडिशा एवं नूतन युगर उदयमान ज्ञानकौशल गुरुत्व दे युवपीढ़ी को एक दुर्जय शक्तिशाली कुशली श्रम शक्ति परिणत करिवार सुजोग सृष्टि कर जो माने कि शेष नूतन ओडिशार परिचय हेबे। मु अत्यंत खुशीर सहित घोषणा करुच्ची जे 1 लक्ष युवक युवती को क्लाउड कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी डाटा साइंस 3D प्रिंटिंग इत्यादि भविष्य प्रजुक्ति विद्यारे तालीम दिया जीवो। यही नूतन योजना NUA ओडिशा नूतन ओडिशा नूतन उन्नत अभिलाष पाई स्वतंत्र भावे 100 कोटी टंका व्यवराद करा जायथिबारो या मते खूब आनंदित करुछि। यही टंका को एक निर्धारित समय सीमा मध्यरे खर्चा करा जीवो। लक्ष्य हासिल हवा पर्यंत आमे व्यवराद बजाय रखिबा को प्रतिश्रुतिबद्ध। उपरोक्त कथा को दृष्टि रखी मु दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा पाई 986 कोटी टंकार व्यय बराद करुची जहाँकि पूर्व वर्षर व्यय बराद तुलन 22% अधिक अटे। क्रीड़ा और युवसभा यही किसी वर्ष मध्य क्रीड़ा ओडिशा पाई एक अभिनव एवं असाधारण परिचय सृष्टि करिची। आम राज्य सारा देश में क्रीड़ार एक प्रमुख लक्ष्यस्थल भाव उभा होई क्रीड़ा नूतन ओडिशार एक स्तंभ भाव दंडायमान होई। माननीय मुख्यमंत्री क्रीड़ार विशेषत्व हकीर जड़े पृष्ठपोषक भाव बहु भाव प्रशंसित होती चिंताधारा युवगोष्ठी क्रीड़ा भविष्य युवगोष्ठी समग्र देश में क्रीड़ार विकास और युवगोष्ठी सशक्तिकरण निम्ते एक मॉडल भाव प्रसिद्धि लाभ कर गत मस आयोजित FIH पुरुष विश्वकप हकी 2023 सफल आयोजन राज्यर क्रीड़ा इतिहास एक नूतन माइलखुंट भाव सब्यस्त हो प्रथम थर पाई हॉकी विश्वकप प्रतियोगिता कौनसी आयोग देश में क्रमगत भाव दुईथर आयोजित हो पारी अधिकंत यह संस्करण भुवनेश्वर और राउरकेला भली 2 स्थान आयोजित होता। राउरकेल विश्वकप आयोजन करवा एक विराट आह्वान था। कोविड एवं प्रतिकूल पापागर प्रतबंधक सत्वे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला केवल 15 मास संक्षिप्त समय मध्य संपूर्ण करपरी 25 प्रकोष्ठ विशिष्ट विश्वकप क्रीड़ा ग्राम मात्र 9 मास मध्य निर्मित होता। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पृथ्वीर सर्वबृहत आसन संख्या विशिष्ट स्टेडियम भाव विवेचित होगा एवं यह ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे स्थान पाइबा आम समस्त गर्व एवं गौरवर विषय। यह केवल आमर सम्मानीय मुख्यमंत्री दूरदृष्टि दृढ़ इच्छाशक्ति प्रतिबद्धता जो संभवपर हो पारि आम राज्य विश्वर 2 बृहत हॉकी स्टेडियम रहिबा राज्य को हॉकी पेंठस्थल मान्यता देछि। आम सरकार क्रीड़ा भित्तिभूमि निर्माण पेशादार तालीम कार्यक्रम एवं जातीय और अंतर्जातीय क्रीड़ा प्रतियोगिता मानंकर आयोजन द्वारा क्रीड़ार सर्वांगीन उन्नति निमन्ते निरंतर प्रयास जारी रखिब। ओडिशा एवं क्रीड़ा महासंघ एवं क्रीड़ाविद मानंकर पसंद स्थान पलटिछि। सहरांचल 99 गोटी बहुमुखी इंडोर स्टेडियम निर्माण चूड़ा पर्यायर पहुंची जहाँकि आगामी मस मानक कार्यक्रम हम आम मैंने 21 गोटी एस्ट्रो टर्फ खेल पड़िया संबंधित हॉकी प्रशिक्षण केन्द्र संतरण तालीम केन्द्र भार उत्तोलन प्रशिक्षण केन्द्र फुटबल तालीम केन्द्र एवं जिमनास्टिक तालीम केन्द्र इत्यादि निर्माण करूछ। राउरकेला पुरी ब्रह्मपुर जयपुर झारसुगुड़ा जाजपुर एवं केन्दुझर आदि स्थान मानक आंचलिक क्रीड़ा कम्प्लेक्स निर्मित होई अछि।
एही क्षेत्र रे प्रगति को निरवच्छिन्न रखिबा पई क्रीड़ा और युवसभा निमंत व्यय बराद को 17-18 आर्थिक वर्षर 149 कोटी टंका व्यय बरादर 2023-24 1217 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइछि जहाँ कि प्रायत 8 गुण वृद्धि अटे। ओडिशा समग्र देश में क्रीड़ा रे बृहत निवेश करुवा अग्रणी राज्य अटे जार सुफल आगामी 10 दिन में मिल पार 10 अंधे मिल पार।